हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं MIUI नूब एडिशन के बारे में। रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए MIUI नूब एडिशन का एक नया बिल्ड अवेलेबल हुआ है एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान इसी रॉम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर MIUI ग्लोबल 12.5.4 स्टेबल बिल्ड है रेडमी नोट 7 डिवाइस के लिए। एंड्रॉयड 11 के साथ ये जो रॉम है अवेलेबल हुआ है एंड यहाँ पर जो है लेटेस्ट जो मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट है देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। काफी बढ़िया बात है। अगर कर्नल की अगर बात करें 4.4 नेक्सस कर्नल के ऊपर यूज किया गया है MIUI नूब एडिशन के ऊपर। तो यहाँ पर इस रॉम के ऊपर क्या क्या फीचर अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है, बैटरी बैकअप कैसा है, प्लस परफॉर्मेंस के बारे में, बेंचमार्किंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना। सबसे पहले ये जो रॉम है इसे MI Note 10 से पोर्ट किया गया है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। MIUI ग्लोबल स्टेबल 12.5.4.0 का बिल्ड है एंड्रॉइड 11 के साथ। तो यहाँ पर इस रॉम के ऊपर जो है MIUI का जो डायलर एप्लीकेशन से ऐड किया गया है, MIUI का जो डायलर एप्लीकेशन से इसे ऐड किया गया है, प्लस MIUI का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन से ये भी देने को मिलेगा। तो यहाँ पर MIUI का डायलर प्लस MIUI का जो मैसेज एप्लीकेशन से ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एंड इस रॉम को किस तरह से फ्लैश करते हैं रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है। अब रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। इस रॉम को फ्लैश करने के टाइम क्लीन फ्लैश करना होगा। सिंपली जो है आप वाइप में जाके जो है डेल्बिक सिस्टम कैश वेंडर सभी ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है वाइप करना होगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मेट डाटा भी कर सकते हो इस रॉम को फ्लैश करने के टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है प्लस जो है सिस्टम को यहाँ पर जो है इम्प्रूव किया गया है एंड यहाँ पर MIUI का जो नया वाला गेम टर्बो मोड है ऐड किया गया है। सिंपली यहाँ पर जो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर जो स्पेशल फीचर के ऊपर नया वाला जो गेम टर्बो मोड है, नया वाला जो गेम टर्बो मोड है यहाँ पर ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर नया वाला जो गेम टर्बो मोड का जो UI है कुछ इस तरह से अवेलेबल है, देख सकते हो। यहाँ पर जो है वॉइस चेंजर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, ऐसे भी ऑप्शन आपको देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो नया वाला गेम टर्बो मोड है यहाँ पर ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। यहाँ पर MIUI ग्लोबल के ऊपर जो अननेसेसरी एप्लीकेशन से यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पर कोई भी अननेसेसरी एप्लीकेशन जो है जो कि MIUI ग्लोबल स्टेबल रॉम के ऊपर अवेलेबल है यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस रॉम के ऊपर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है, जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और जो AOD का ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर आप अगर आप चाहो तो इस रॉम के साथ जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। बट डेफिनेटली यहाँ पर रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर तो AMOLED डिस्प्ले है नहीं। अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यूज करोगे आपको जो है यहाँ पर जो है ज्यादा बैटरी ड्रेन देने को मिलेगा। तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सभी थीम अवेलेबल है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर एंड यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस आपको देने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर जो है इम्प्रूव किया गया है, प्लस बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सिपनेट जो यहाँ पर पास हो जाता है। मतलब गूगल पे फोन पे सर के जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम करेगा इस रॉम के साथ। यहाँ पर जो है सिपनेट है बाय डिफॉल्ट काम करता है, सिपनेट जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पास हो गया है, काफी बढ़िया बात है। इसके लिए आपको अलग से मैजिक को इंस्टॉल नहीं करना होगा, अलग से यहाँ पर जो है रूट नहीं करना होगा। यहाँ पर इस रॉम के ऊपर जो है जो शामी पार्ट्स और जो MI पार्ट्स का ऑप्शन से ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन से अलग अलग जो टॉर्च का ब्राइटनेस आप इनेबल कर सकते हो, प्लस यहाँ पर जो है वाइब्रेशन को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर जो डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का जो ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया गया है इस रॉम के ऊपर एंड यहाँ पर शामी पार्ट्स के ऊपर जो क्लियर डिस्प्ले का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। इसके साथ जो स्पीकर के ऊपर जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो साउंड एनहांसर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अलग अलग हेडफोन टाइप का भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, प्लस अलग अलग जो प्रीसेट का ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर हेडफोन गेन माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो USB फास्ट चार्ज का ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो USB फास्ट चार्ज का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम करेगा इस बेल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो शामी पार्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड किया गया है एंड यहाँ पर जो है नेक्सस कनेक्ट यहाँ पर यूज किया गया है इस बेल्ट के ऊपर बाय डिफॉल्ट। तो आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो सेंसर बग है उसे भी फिक्स किया गया है। अभी सभी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर जो है यहाँ पर सभी एप्लीकेशन के ऊपर जो फुल ऐप एनिमेशन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो एनिमेशन से देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको देने को मिलेगा MIUI 13 के साथ। नाउ उस तो बात कर लेते हैं पर परफॉर्मेंस के बारे में। हमने इस रॉम के साथ जो है कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को रन किया था। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 3D Mark के साथ। तो यहाँ पर जो है 3D Mark के ऊपर स्लिंग शॉट का जो स्कोर है 2033 है। हमने यहाँ पर जो है वाइल्ड लाइफ का जो टेस्ट है यहाँ पर रन किया था बट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस बिल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर 3D Mark के साथ स्लिंग शॉट के ऊपर 2033 का स्कोर देने को मिल गया है। गिगबेंच 5 के साथ यहाँ पर सिंगल कोर के ऊपर 337, मल्टी कोर के साथ 1433 का स्कोर है। यहाँ पर गिगबेंच 5.4.4 के साथ जो है एंड्रॉइड 11 के साथ नेक्सस कर्नल के साथ जो है यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है। यहाँ पर
एवरेज से ज्यादा इसको देने को मिलता है। सेफ्टनेट के बारे में, तो विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टनेट यहाँ पर पास हो जाता है, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन रहेगा बाय डिफॉल्ट काम कर चुके स्ट्रॉम के साथ, आपको अलग से यहाँ पर जो रूट नहीं करना होगा, तो यहाँ पर सेफ्टनेट जो है यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पास हो जाता है। अगर बात करें सीपीयू थ्रन टेस्ट के बारे में, लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था, रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है मैक्स गया है 144, एवरेज है 139, मिनिमम है 130, यहाँ पर 95% का सीपीयू थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू की अगर बात करें 2.20 GHz तक चला गया था, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस देने को मिलता है काफी बढ़िया है। नॉर्मली जो रेडमी नोट 7 डिवाइस है 140 के आसपास जो यहाँ पर मैक्स रहता है, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस हमें देने को मिलता है 144, जो काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ। एंड यहाँ पर जो MIUI का जो स्टॉक कैमरा है, जो MIUI का जो कैमरा है इसे ऐड किया गया है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, नाइट मोड, शॉर्ट वीडियो, पैरानोमा, स्लो मोशन, ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करता, देख सकते हो जो है पोर्ट्रेट मोड के ऊपर बग देने को मिलता है। आप सिंपली यहाँ पर जो है यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा है यहाँ पर काम करता है, बट यहाँ पर जो हमें इस तरह से इश्यू देने को मिल रहा है, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करेगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ इस बिल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर 4K 30fps का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर फुल HD 60fps का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। प्लस यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर GCam की यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है जो पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है इस बिल्ड के ऊपर। कैमरा टेप के ऊपर लेवल 3 का सपोर्ट है, यहाँ पर GCam काम करेगा, गूगल कैमरा का जो स्टॉक वर्सन है काम करेगा, गूगल कैमरा का जो लेटेस्ट वर्सन है GCam 8.4 यहाँ पर काम कर चुके इस रॉम के साथ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है, तो यहाँ पर GCam Go के साथ जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन से काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो है GCam की यूज करके जो है पोर्ट्रेट मोड को अब पोर्ट्रेट मोड के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक कैमरा के साथ पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करता है, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जो है काम नहीं करेगा MIUI Noob एडिशन के ऊपर। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर GCam की यूज कर सकते हो इस बिल्ड के ऊपर। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है कुछ इस तरह से। अब जो है इस तरह से तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन इफेक्ट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एंड यहाँ पर डबल टैप टू वेकअप का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, सिंपली आप डबल टैप करके आपका जो फोन है ऑन कर सकते हो। प्लस जो है यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन को बंद करने के लिए जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर जो है सनलाइट मोड का जो ऑप्शन है, प्लस नाइट मोड का जो ब्राइटनेस है अब यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो रीडिंग मोड है, तो यहाँ पर रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है रीडिंग मोड काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो शेड्यूल करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, सभी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑटो रोटेशन स्क्रीन का ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर, यहाँ पर जो साउंड असिस्टेंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है मल्टीपल ऑडियो सोर्स एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर साइलेंस मोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर। यहाँ पर साउंड इफेक्ट के ऊपर जो है इक्वलाइजर का ऑप्शन है, यहाँ पर जो MIUI का जो साउंड इनाइजर है यहाँ पर शामी पार्ट्स के ऊपर ऐड किया गया है। एंड एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर जो है अलग अलग साउंड के आप यहाँ से बंद कर सकते हो, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड होम स्क्रीन की अगर बात करें तो यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर जो है ये सभी ऑप्शन है, यहाँ पर जो है सिंपली गेस्चर्स एंड जो है बटन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। फेस अनलॉक प्लस जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, देखते हैं यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट है काफी फास्ट है, सिंपली यहाँ पर जो है टैप किया एंड ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफी फास्ट है, काफी एक्यूरेट आपको देने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है टैप किया ओपन हो गया, तो यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है प्लस जो फेस अनलॉक यहाँ पर काम कर जाएगा इस बिल्ड के ऊपर। ना उस तो बात कर लेते हैं पर फेस अनलॉक के बारे में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर जो है फेस अनलॉक काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। तो यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट से ज्यादा फास्ट है फेस अनलॉक, तो यहाँ पर फेस अनलॉक प्लस जो फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर काम करेगा इस बिल्ड के ऊपर। एंड यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर सेफ बैटरी बैलेंस परफॉर्मेंस मोड को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर लगभग जो है यहाँ पर 6 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देने को मिल जाएगा इस रॉम के साथ, जो काफी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली इस रॉम का आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छा बैटरी बैकअप देने को मिलेगा इस रॉम के साथ। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के ऊपर, तो यहाँ पर जो है ऐसे भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, बट यहाँ पर रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर ये जो ऑप्शन है काम नहीं करते, देख सकते हो यहाँ पर जो है मेमोरी एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है और जो वर्चुअल रैम का जो ऑप्शन है यहाँ पर काम नहीं करेगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर जो क्लियर डिस्प्ले का जो ऑप्शन है यहाँ पर शामी पार्ट्स के ऊपर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर स्पेशल फीचर्स के ऊपर जो है गेम टर्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है।
नया वाला जो गेम डेवलपर मोड है यहाँ पर काम करेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर जो यहाँ पर MIUI 13 का जो वीडियो टूलबॉक्स है ये भी आपको देने को मिलेगा। तो यहाँ पर MIUI 13 का जो साइड बार का ऑप्शन है उसे दोस्तों यहाँ पर MIUI 12 और MIUI 12.5 के साथ जो यहाँ पर वीडियो टूलबॉक्स नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर वीडियो टूलबॉक्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो रोम है तो काफी स्मूथ है, काफी स्टेबल आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पर 3GB रैम के साथ ये जो रोम है काफी बढ़िया काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। नाउ तो बात कर लेते हैं इस रोम को किस तरह से फ्लैश करना होगा रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। तो सिंपली कोई भी कस्टम रोम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके फोन के ऊपर उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। तो सिंपली आप जो है सिंपली जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप क्रिएट करो। उसके बाद आपको यहाँ जो है यहाँ पर सेटिंग्स में आके, यहाँ पर सिक्योरिटी में आके, यहाँ पर जो स्क्रीन लॉक का ऑप्शन है और जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है यहाँ पर रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली जो है यहाँ पर स्क्रीन लॉक को यहाँ पर रिमूव करना होगा। उसके बाद जो आपके फोन के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। आप यहाँ पर जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और जो है यहाँ पर TWR रिकवरी और कोई भी कस्टम रिकवरी की यूज कर सकते हो इस रोम को फ्लैश करने के लिए। तो सिंपली यहाँ पर जो है आपके डिवाइस के ऊपर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, जो लेटेस्ट वर्जन है TWR रिकवरी का और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का, उसे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। तो यहाँ पर जो है इस रोम का जो पावर मेनू है कुछ इस तरह से आपको देने को मिलेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर डबल टैप करके यहाँ पर जो है रिकवरी एंड फास्ट बूट मोड के ऊपर बूट कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो है कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपका जो फोन है यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास जो रेडमी नोट 7 डिवाइस है तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है लेटेस्ट जो हमने TWR रिकवरी का जो वर्सन यहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो आप सिंपली जो है यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के बाद अगर आपको इस तरह से देखने को मिलता है तो सिंपली ये जो ऑप्शन है इसे टिक करके आप जो है स्वाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी के अंदर बूट करने के बाद सबसे पहले आप जो भी गार्डन रोम आप यूज करो उसका बैकअप क्रिएट करना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी आप रोम यूज करो उसका बैकअप क्रिएट करो, अगर आप चाहो तो बाद में यहाँ से जो रीस्टोर कर पाओगे। तो मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। उसके बाद आपको सिंपली वाइप में जाना होगा, एडवांस वाइप में जाना होगा, डेल्बी कैशे सिस्टम वेंडर। तो ये जो चार ऑप्शन है डेल्बी कैशे सिस्टम वेंडर, ये चार ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप कर देना होगा। तो यहाँ पर जो इंटरनल स्टोरेज है उसे यहाँ पर जो है वाइप मत करना। अगर आप फॉर्म डाटा करोगे तो आपको कोई भी इरर देने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फॉर्म डाटा में जाके आप यस टाइप कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म डाटा होने के बाद जो है सिंपली यहाँ पर बैक आके रिबूट में आके रिकवरी को रिबूट करो। रिकवरी को रिबूट करने के बाद आपके फाइल के ऊपर जो आपके फोन के ऊपर यहाँ पर जो है रिकवरी को रिबूट करने के बाद आपके फोन के ऊपर जो फाइल है आप सिंपली ट्रांसफर कर सकते हो। SD कार्ड, OTG केबल और जो है सिंपली USB केबल के साथ आपके फोन के ऊपर जो फाइल है MIUI न्यू एडिशन का, उसे आप सिंपली यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद जो आपको यहाँ पर जो है सिंपली इंस्टॉल में जाके रोम को सिलेक्ट करना होगा, जिस भी फोल्डर के ऊपर आपने रोम को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके रोम को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो है स्वाइप कर देना होगा। उसके बाद रोम इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर जो है फिर से बैक आके यहाँ पर रिबूट में टैप करके यहाँ पर जो है सिस्टम में टैप करना होगा। कुछ इस तरह से रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है MIUI नूब एडिशन को आप इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलमोस्ट सभी जो रोम है तो आप इस मेथड के साथ इंस्टॉल कर पाओगे आपके रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर जो रोम ओपन होने के बाद सिंपली सेटअप करने के बाद आपके रेडमी नोट 7 डिवाइस को इस रोम का यूज कर सकते हो। तो ये जो रोम है काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया यहाँ पर जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है जो ऑप्शंस अवेलेबल है, जो Xiaomi पार्ट्स का जो ऑप्शन है काफी बढ़िया है। MIUI का जो डायलर एप्लीकेशन प्लस MIUI का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन से ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है, प्लस यहाँ पर जो परफॉर्मेंस इस रोम का काफी बढ़िया है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है प्ले स्टोर देने को मिल जाएगा, आपको अलग से यहाँ पर जो है जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। तो आप डेफिनेटली इस रोम को आपके रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करके देखो। इस रोम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस रोम को डाउनलोड करके आपके रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करके देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के और सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।